नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग लवर। दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस भीषण गर्मी में आपको अपने पौधों को कैसे बचाना है, तो ये आज हम अपने वीडियो में शेयर करेंगे और आपको मैं टिप्स बताऊंगा किस तरीके से आप अपने पौधों को भीषण गर्मी से बचा सकते हैं और किस तरीके का फर्टिलाइज़र आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो में बने रहिए अंत तक, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये मेनली है गुलाब के लिए। गुलाब को आपको गर्मी में कैसे बचाना है इस 48 टेम्परेचर से, तो उसके लिए कैसा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है वो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। गुलाब एक सेंसिटिव पौधा है, चूँकि ये धूप का भी पौधा है, धूप में भी रखा जा सकता, रखने वाला पौधा होता है, इसको धूप की ज़रूरत होती है। बट भीषण गर्मी के अंदर भी पौधा झुलस सकता है, क्योंकि ये सॉफ्ट पौधा होता है और इसके अंदर बहुत जल्दी ये डाई बैग देने लग जाता है। जैसे ये देखिए आप, इस तरीके का डाई बैग इसके अंदर देखने को मिलता है। और हमें इस गर्मी के अंदर इसके लिए क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले, जितने भी आप जिस गर्मी के अंदर हम छत पे खड़े भी नहीं हो सकते, उस गर्मी में पौधा कैसे सर्वाइव करेगा, तो सबसे पहले आप जितने भी गुलाब के पौधे हैं आप उनको उठा के शेडी एरिया में रखें, या इस तरीके से आप ग्रीन नेट लगाएं। ये देखिए, ये मैंने ग्रीन नेट लगा रखी है और ग्रीन नेट के नीचे इनको प्लेस कर रखा है। तो भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो पौधों के बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन मैं जो फर्टिलाइज़र आपको बता रहा हूँ, वो बताने वाला हूँ, वो पौधों के अंदर नई ग्रोथ और नई जान डाल देगा और इस तरीके से नए नए इसके अंदर आपको नई ब्रांचेस और हरे पत्ते नज़र आएंगे। दूसरा चीज़ दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि आपको पानी का जो अभी लोग बाग क्या कर रहे हैं कि गर्मी तेज़ है तो पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। पानी हमें लिमिटेड मात्रा में डालना है, गर्मी में भी सुबह डालना है और शाम को डालना है। ऐसा नहीं कि आपने पानी डाला और खुद थोड़ी देर बाद आपने देखा कि सॉइल जो है वो ड्राई है तो फिर आपने पानी डाल दिया, नहीं। इससे आपकी जड़ें गलने लग जाएगी और जल्दी पौधा जो है वो मरने लग जाएगा। तो इस समय पानी का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, सुबह पानी देना है और शाम को पानी देना है। दो टाइम इसके अंदर पानी देना है गुलाब के अंदर, और गुलाब के अंदर क्या सभी प्लांट्स के अंदर आपको पानी का मात्रा यही रखनी है, चाहे वो गुलाब हो चाहे गुड़हल हो, किसी भी तरीके के प्लांट्स के अंदर आपको सुबह और शाम को ही पानी देना है, दिन में पानी नहीं देना है। क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब करने में सुबह से शाम तक का टाइम लगता है पौधे को। और जो हीट से बचने के लिए आपको मैं ठंडी खाद बता रहा हूँ वो आप यूज़ करें। पहले भी मैं एक खाद की वीडियो आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो इसे कैसे बनाना है, डोज क्या रहेगी, किस तरीके से इसको देना है आज, और इसके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये एक जार लिया है, जार पे मैंने 1 लीटर पानी लिया है। और दूसरा चीज़ ली है मैंने, ये केले के पत्तों को सुखाकर उसे मिक्सी में पीस कर ये बुरादा मैंने केले का छिलकों का बना लिया है। आप केले को छिलके को डायरेक्ट प्लांट के अंदर ना डालें, गीले छिलके जो है वो डालने से उनके अंदर फंगस पैदा होती है और फंगस से पौधे की जड़ें जो है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए आप इनको सुखा कर इस तरीके से आप पाउडर फॉर्म में लेके और इसको अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैंने ली है दोस्तों, ये एलोवेरा का पत्ता, जो आप प्लांट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये प्लांट के अकॉर्डिंग मैंने लिया है, ये बड़ा है इसलिए मैंने ये एक ही पत्ता लिया है। नहीं तो आप जिस हिसाब से आपके प्लांट है, ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट है, तो आप 2 एलोवेरा के पत्ते ले सकते हैं। इसके नीचे का जो वाइट पार्ट है वो मैंने काट दिया है। और मैं आपको ये बताऊं कि मैंने ये दो ही चीज़ क्यों ली है, इसके अलावा और कौन दूसरी चीज़ क्यों नहीं ली है, उसका मैं कारण बताता हूँ। इस समय पौधों के अंदर जो रूट ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, तो रूट ग्रोथ के लिए ये एलोवेरा जो है वो नेचुरल रूट ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है। तो ये पौधों के अंदर जड़ों के विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो जड़ों का विकास करेगा। साथ ही साथ केले के अंदर, केले के छिलकों को क्यों मैंने यूज़ में लिया है, ये पोटेशियम से भरपूर रहता है। तो पोटेशियम जो होता है वो पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या फोटोसिंथेसिस क्रिया के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इस दोनों
प्लांट दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से होने की वजह से मैंने दोनों चीज़ें इसकी खाद के अंदर ली है। तो दोस्तों इसको बनाने का तरीका ये है कि 1 लीटर पानी में आपको एक एलोवेरा का छिलका, जो आपके हिसाब से पौधों के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, पौधे ज़्यादा हैं तो 2 ले सकते हैं, और केले का छिलके को मैंने, ये 10 से 12 केले के छिलके थे, उनको मैंने पीस के ये ऐसा पाउडर बना लिया है। तो मैं एक मुट्ठी केले का छिलके की लूँगा और मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगा और इसके मैं छोटे 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 टुकड़े कर लूँगा और फिर इसको इसके अंदर डाल दूँगा। तो ये दोस्तों मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, अब इसको मैं उठा के जार के अंदर डाल दूँगा। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको कम से कम हम 2 से 3 दिन इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जब तक ये फूल के बिल्कुल अच्छे तरीके से डिसॉल्व नहीं हो जाता। और डिसॉल्व होने के बाद इसका फिर हम किस क्वांटिटी के अंदर यूज़ करेंगे। तो ये 1 लीटर है, इसके बाद हम इसका आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ।